नमस्कार दोस्तों, आज 6 अगस्त है और आज के दिन को हम हिरोशिमा दिन के नाम से जानते हैं। हिरोशिमा डे के नाम से पूरा विश्व इसे जानता है, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और जापान के बीच जो संघर्ष हुआ, उसमें अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल करके हिरोशिमा शहर पर उसको तहस नहस कर दिया, उसको जमीन पर ला दिया। और इस दिन से उस जगह पर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों चीजों की बहुत ज्यादा बर्बादी हुई। लेकिन आज जापान ने उस चीज को दरकिनार करते हुए पूरे विश्व में अपनी तकनीकी का डंका बजा रखा है। यह परमाणु बम इस्तेमाल होने के बावजूद वो अपने आप को पूरे विश्व के पटल पर स्थापित कर चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि मोटिवेशनल टॉक में भी आज हम यही बात करेंगे कि भविष्य में रहकर सपने देखने वाले लोग भविष्य का निर्माण नहीं करते। भविष्य का निर्माण वे लोग करते हैं जो वर्तमान में भूतकाल से सीख लेकर के अपने वर्तमान का निर्माण करते हैं, वही भविष्य का निर्माण ही करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भविष्य में मत जिए, वर्तमान में जिए और वर्तमान को अच्छा बनाइए, भविष्य अपने आप अच्छा बनेगा। मोटिवेशनल टॉक देखते रहिए, मोटिवेट होते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।